उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग जेएनएम एएनएम पैरामेडिकल मॉपअप काउंसलिंग 2023। काफ़ी स्टूडेंट के माइंडसेट में डाउट होगा, खासकर बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट की, कि सर जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ है कितनी रही है और मॉपअप राउंड में प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ रही है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें कर के दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले बात करते हैं मोपअप राउंड, जो प्रीवियस ईयर आपका 2021 में हुआ था जेएनएम का मोपअप राउंड, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी वाले थे उनकी जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी, मैं आपको दिखा विथ प्रूफ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो जनरल की जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी 134 रैंक पे स्टूडेंट को यहाँ पे जनरल की सीट मिली थी। ये जैसे कि जेएनएम में दो प्रकार की सीटें होती है, मेल कैंडिडेट के अलग, वुमेन कैंडिडेट के अलग। तो जनरल वुमेन की यहाँ पे बात करते हैं तो 134 रैंक वाले को मोपअप राउंड में यहाँ पे कॉलेजेस अपग्रेड हुआ था। सेम बॉयज़ की यहाँ पे बात करते हैं तो बॉयज़ को 389 रैंक पे आप देख सकते हैं इन्हें जनरल की सीट मिली थी। सेम यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में आप देख सकते हैं 200 रैंक पे यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हुआ है मोपअप राउंड में। सेम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 823 रैंक में इन्हें यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है मेल सीट का, गवर्नमेंट स्कूल नर्सिंग हरिद्वार में कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। सेम यहाँ पे एएनएम की बात करते हैं तो एएनएम में आप देख सकते हैं रैंक 185 को यहाँ पे, जिनकी रैंक 185 थी उन्हें जनरल की सीट यहाँ पे एलोटेड हुई है। सेम यहाँ पे ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आप देख सकते हैं रैंक 205 में इन्हें एनएम ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ का कॉलेजेस मोपअप काउंसलिंग में एलोटेड हुआ था। सेम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 377 रैंक में इन्हें एनएम ट्रेनिंग सेंटर जो आपका उधम सिंह नगर कॉलेजेस है एलोटेड हुआ है। सेम EWS की बात करते हैं तो EWS में आप देख सकते हैं 391 रैंक में इन्हें EWS का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट के, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है स्टूडेंट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अनदर यूट्यूबर चैनल की बात मैं कहूँगा, आपको कोई भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड नहीं करेगा कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ विथ प्रूफ क्या रही है। नॉर्मली सब कुछ लाइव आके आपको सब कुछ बोल देंगे कि हाँ आपको मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा एक ही चीज़ मेंशन करता हूँ, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि स्टूडेंट पर्टिकुलर काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ आपको एक हिंट टाइप का है कि मोपअप राउंड में इतने रैंक तक प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई थी। देखो स्टूडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट। होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो 40 और 49 जो आपकी काउंसलिंग हुई है 35 से लेकर 49 के बीच में, ज़रूरी नहीं है कि उसमें से जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा, क्या पता कम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट कर लिया होगा, जिसके कारण जिनकी रैंक थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है उन स्टूडेंट को भी कॉलेजेस एलोटेड हो सकते हैं। मैंने आपको बार बार आपके कमेंट्स बॉक्स में यही रिप्लाई दिया था, इसीलिए कहता हूँ स्टूडेंट पॉजिटिव रहो, जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, आप बिल्कुल पैनिक मत होना स्टूडेंट। इस बार अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलता है, मैं रिकमेंडेट करता हूँ आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, अगली बार आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट करो। देखो स्टूडेंट, मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रुक करने के लिए आपको हमेशा मना इसलिए करता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है आपकी काफ़ी ज़्यादा फीस है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 7 से 8 लाख फीस आपसे ईयरली 4 साल में ले लेते हैं। वहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मात्र 11,617 रुपये आपकी फीस है। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंसेस यहाँ पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट की, सबसे बात करेंगे यूआर ओपन की, जो यूआर जनरल की सीट रहती है उसमें जो कट ऑफ गई थी 329 रैंक पे कॉलेजेस एलोटेड हुआ था जनरल ओपन की सीट में। आप देख सकते हैं इन्हें जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस पिथौरागढ़ का एलोटेड हुआ था। सेम जनरल वुमेन की बात करते हैं तो जनरल वुमेन में आप देख सकते हैं 331 रैंक, मैं आपको बता देता हूँ 331 रैंक, थोड़ा सा यहाँ पे सर्चेबल में टाइम लगेगा तो मैं आपको 331 रैंक में आपको दिखा देता हूँ यूआर वुमेन की सीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर वुमेन की जो सीटें गई थी जो रैंक 331 में, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ आपको दिख रहा होगा विद प्रूफ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 331 रैंक में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसको मिला था कॉलेजेस जनरल वुमेन की सीट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवानी की स्टूडेंट थी प्रीवियस ईयर में 331 में इन्हें जनरल वुमेन की जो सीट थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस अल्मोड़ा एलोटेड हुआ था। सेम यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी ओपन की, तो ओबीसी ओपन में आप देख सकते हैं 647 रैंक एक स्टूडेंट थी
दीक्षा, इन्हें जनरल ओबीसी ओपन की सीट यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपीसर चमोली में एलोटेड हुआ है। सेम यहाँ पे बात करते हैं एससी ओपन की, तो एससी ओपन में आप देख सकते हैं 896 रैंक में इनको एससी ओपन की सीट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस गोपेश्वर चमोली एलोटेड हुआ है। सेम एससी वुमेन की बात करते हैं तो 889 रैंक पर आप देख सकते हैं एससी वुमेन की सीट इन्हें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल स्टेट कोटा की सीट एलोटेड हुई है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट, जो आपने देखा होगा पौड़ी गढ़वाल और चमोली का जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी बच्चों को कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, ये टोटली डिपेंडेंट करता है स्टूडेंट पे कि उन्होंने कौन सा कॉलेजेस पर्टिकुलर कॉलेजेस काउंसलिंग के समय सेलेक्ट किया है, देन उनकी रैंक अगर ज़्यादा भी होगी और कम बच्चों ने वहाँ पे अप्लाई किया होगा तो देन डेफिनेटली उन्हें वहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड होगा। ध्यान देना मेरे स्टूडेंट, इसके बाद आपकी कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी, दिस इज़ द फाइनल काउंसलिंग फॉर HNB UMU। इसके बाद आपको कॉलेजेस एलोटेड होंगे, देन आपकी क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होगी। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और फीस के रिगार्डिंग, कौन कौन से फीस, कैसे आपको फीस डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में मेंशन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अनदर क्वेरी आपकी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जैसे ही आपका यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश होता है मैं उसके रिगार्डिंग आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।